ओम शांति। आज तारीख है 12/4/2021। प्रत्यमूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुवन, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापिस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको ये 7 रोज भट्ठे में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। ओम शांति। मीठे मीठे शिकीलदे बच्चों, प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए। जितना उसके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने हैं। आत्मअभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह है फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अकेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। स्लोगन, स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरा भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, फिर से ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे शिकीलदे बच्चे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बाबा के मूल्य की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाए। अच्छा, फिर से ओम शांति।